देखिए, 1.5 इंच के करीब हमने अदरक लिया है और लहसुन और प्याज है, इसको पीस लेंगे। बनाते हैं पालक मटर मलाई। तो प्याज हमने पीस ली है और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम मलाई है, 1 कटोरी मटर, थोड़ा सा पनीर और लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और ये पालक हमने काट के ली है। तो चलिए बना लेते हैं पालक मटर पनीर के साथ। तो डाल देते हैं प्याज, और प्याज को हल्का सा भुनने देंगे करीब 2 मिनट। हमारी हो रही है, और आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाला नहीं क्योंकि मैंने पिसा हुआ डाल रही हूँ। तो ये देखिए, प्याज हमारी हल्की सी हो गई है। तो इसमें डाल देंगे हम मटर, और मटर को भी थोड़ी देर होने देंगे। ये देखिए, हमारी मटर ने हल्का सा कलर बदल दिया है। तो इसमें हम सारे मसाले जो सूखे रखे हैं उन्हें डाल देंगे, और झटपट से बनने वाली रेसिपी है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। सो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इस तरह मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के और करीब करीब 5 मिनट मध्य आंच पे पकने देंगे। तो हमने इसमें मलाई डाल दी है और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और वो क्लिप हमसे छूट गई थी। तो ये देखिए, हमारा मसाला हो गया है और मलाई डालने से कितना शाइनी हो गया है। और आप चाहें तो इसमें और बहुत सारी मलाई डाल सकते हैं, पर मेरे बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी जो मैंने क्रश करके रखी हुई है, इसको डाल देंगे। और कसूरी मेथी को क्रश करके डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम डाल देंगे इसमें पालक, इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। देखिए, हमारी पालक पकने लगी है, बस 5 मिनट और। देखिए, हमारी पालक करीब करीब तैयार हो गई है। तो अब इस स्टेज पे हम जो पनीर लिया था उसे किस के और इसमें डाल देंगे, और बस 5 मिनट और हमारी सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। देखिए, सब्जी बन गई है।